अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल से आप सब अच्छे रहो। तो आज मैं बना रही थी अरहर की दाल गोश्त, ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। आप भी मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ना कुछ भी डाला है और एक लम्बे में कट करके मैं प्याज डाल दूँगी, इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी, धनिया डालेंगे एक चम्मच, मिर्ची एक चम्मच, इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मज़े का ही बन जाता है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिर्ची का इसमें पानी डालेंगे, ज़रा सा पानी डाल देंगे, यानी एक कप पानी डाल दिया हमने चाय वाला, क्योंकि मटन तो बहुत जल्दी गल जाता है फ्रेंड्स। इसमें लगा देंगे विसिल। देखिए फिर हमारा गोश्त जो है ना अच्छे से गल गया। तो फ्रेंड्स ये देखें अरहर की दाल, ये एक कप मैंने ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। दाल को भून के बनाते हैं ना, बड़ा मज़े का दाल गोश्त बनता है फ्रेंड्स। गोश्त अच्छे से गल चुका है और भून चुका है, तेल भी देखिए ऊपर आ चुका है उसमें कितना। इसे पानी डालेंगे और इसे ले लेंगे, देखिए देखिए दाल हमारी कितने अच्छे से गल गई, देखें गोश्त में, और गोश्त भी हमारा गला। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो पानी अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा या कम। ये नमक को टेस्ट कर लें इस टाइम, धनिया और हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे इसके अंदर, एक बॉईल आ जाए इसके अंदर दाल के अंदर। तो बस इसमें तड़का ये वाली दाल बनाए और राइस बनाए फ्रेंड्स, बहुत मज़े की चटपटी दाल बनती है वाली। तो इधर हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें सरसों के दो चम्मच मैंने तेल को गर्म कर लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, टेस्ट आएगा। इसका तैयार हुआ, गैस को बंद कर देंगे, तैयार हो गई इसकी खुशबू, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना दाल में। तो फ्रेंड हमने ना दाल को सर्व कर लिया है, ये मैंने चावलों के साथ सर्व की थी, मैंने ज़ीरा राइस बनाया था इसके साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। अरहर की दाल गोश्त चटपटा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत मज़े का टेस्टी बना। एक बार मेरे तरीके से ये बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको आज मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।